हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये एक्चुअल में समझने था, हमें लाइट के बिहेवियर को समझना था कि लाइट जो पार्टिकल नेचर दिखाती है, पार्टिकल नेचर होता है कि लाइट में वेव नेचर होता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले पहले तक, इस एक्सपेरिमेंट से होने से पहले पहले तक सब लोग ये सोचते थे कि लाइट होता है पार्टिकल नेचर। क्यों? क्योंकि जो लाइट के पार्टिकल नेचर की जो थ्योरी दी थी वो एक न्यूटन ने थ्योरी दी थी। उस थ्योरी को बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी उन्होंने। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता था, उसमें यह था कि जो लाइट होती है वो एक छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स के रूप में होती है। ठीक है, इन टाइनी पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है, जिस वजह से इनमें डिफरेंट डिफरेंट क्या कलर आते हैं, लाल, पीला, नीला। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था और बोला था कि जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होती है, कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ये वेटलेस होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा दिन तक पढ़ी गई, मतलब लगभग 100 साल तक इस थ्योरी को लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इस थ्योरी को 100 सालों तक पढ़ा। इससे पहले हालांकि थ्योरी आ चुकी थी वेव नेचर के लिए, जो दी थी हाइजेंस ने। हाइजेंस की वेव थ्योरी आ गई थी यहाँ पे, हाइजेंस की वेव थ्योरी आ चुकी थी उस टाइम तक। लेकिन इस थ्योरी को लोग सही नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी कॉर्पस्कुलर थ्योरी किसने दी? न्यूटन। न्यूटन आप सब जानते हो उस टाइम तक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो चुका था ना, तो न्यूटन की थ्योरी को कोई गलत नहीं कह सकता था। हाइजेंस की इस थ्योरी को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो एक्सेप्ट तब किया गया जब फोकॉल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, लाइट की स्पीड बताई थी कि किसी भी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो बताया था कि जो डेंसर मीडियम होते हैं उसमें लाइट की स्पीड घट जाती है, लेकिन न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो ये बात वहां पे गलत साबित हो रही थी, जिस वजह से न्यूटन की ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी वहां पे गलत साबित होने लगी। तो लोगों ने वहां पे हाइजेंस की वेव थ्योरी को एक्सेप्ट किया। अब हाइजेंस की वेव थ्योरी तो एक हाइपोथेसिस थी, उसका तो कोई प्रूफ प्रमाण था नहीं। तब यहाँ पे फिर जो यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जिससे ये प्रूव हो गया कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर दिखाती है, होता है। तो ये वेव नेचर प्रूव करने के लिए पहले उन्होंने वेव की एक प्रॉपर्टी उठाई। जैसे हम बताएं कि आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब कोई वेव लगभग सेम एम्पलीट्यूड की कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होता है और सेम फ्रिक्वेंसी की, जब एक मीडियम सेम ही मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं, जहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, मतलब घट जाती है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, मतलब वहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप ये सब आप पढ़ चुके होंगे, तभी आप यंग्स एक्सपेरिमेंट में आए, उसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसको बोलते हैं ब्राइट, वहाँ पे चमक एक बन जाती है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसको बोलते हैं डार्क, वहाँ पे अंधेरा मिल जाता है। ये एक इंटरफेरेंस होता है, ये दो एक किसी वेव की प्रॉपर्टी होती है। इसको थोड़ा सा ऐसी ब्रीफ में बता दूँ, जैसे यहाँ पे एक वेव्स है, ये एक वेव है, और लगभग इसी तरह की एक सेम नेचर की एक और वेव है। तो ये जब आपस में मिलेंगी, दो वेव आपस में जब सुपर इम्पोज होंगी, तो जो हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या, जब ये आपस सुपर इम्पोज होगी, इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो मिल जाएगा 2a। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिल गया 2a, तो इधर भी एम्पलीट्यूड मिल गया 2a, है ना, ये हो गया ना। तो यहाँ देखिए इंटेंसिटी, यहाँ 2a एम्पलीट्यूड हो गया, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी बढ़ गई होगी, यानी कि यहाँ पे चमक ज़्यादा आ गई होगी। यहाँ पे इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड से, वो क्या होता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2a का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखिए इंटेंसिटी 4 times इंक्रीज हो गई, है ना, जब यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ। उसी तरह अगर हम मान लेते हैं एक वेव यहाँ पे इस तरह से है कुछ, जैसे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पहले, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक वेव कुछ इस तरह से है, ये ऐसे वेव्स आई, ये ऐसे है, ठीक है, ये भी ए और ये इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये भी ये ए और ये भी ए। अब जब इनका रिजल्टेंट होगा, जब ये सुपर इम्पोज होंगी, ठीक है, तो देखिए ये ए प्लस का, ये ए माइनस का, तो यहाँ पे जब सुपर इम्पोज होगा हमें सिंपली ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ना, एक ऐसे सिंपली स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। उसके जब यहाँ पे सुपर इम्पोज होंगी तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमें कोई वेव मिली नहीं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना 0, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना 0, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी 0, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी 0, यानी कि यहाँ बन क्या गया डार्क, यानी कि अंधेरा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये लाइट की इन्होंने प्रॉपर्टी उठाई है, क्या उठाया कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक सेम मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, डार्क फ्रिंजेस बनाती हैं, डार्क मतलब साइड बनाएंगी और एक ब्राइट साइड बनाएंगी, और जो लोग ऐसा नेचर दिखाएंगे उनको हम वेव बोल देंगे। जो लोग ये डार्क ब्राइट वाला खेल खेलेंगे उनको हम बोल देंगे वेव हैं वो लोग, ठीक है। तो ये उन्होंने प्रॉपर्टी उठाई।
अब आपको यहाँ बता दें कि जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव से क्या निकल के आया था उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं, क्योंकि उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला जो था वो क्या था, वो था आई इज गल टू, मतलब जहाँ पे इंटेंसिटी कहीं बन रही होगी तो वो था आई इज गल टू, दो या दो से ज़्यादा वेव जिनकी इंटेंसिटी I1 या I2 थी, एक की I1 थी एक की I2 थी, ठीक है, जब ये आपस में सुपर इम्पोज होकर एक रिजल्टेंट वेव बनाएगी तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो होगी आई इज गल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 और यहाँ पे कॉस थीटा। ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ये जो वेव थी सपोज करते हैं जो I1 वाली वेव है ये ऐसे गई होगी, ठीक है, ये ऐसे चली होगी इस तरह से, और जो I2 वाली वेव है ये तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगी ना, ये 0 से ना स्टार्ट होकर यहाँ से 180 डिग्री से स्टार्ट हुई है ऐसे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये होता है फेज डिफरेंस। तो ये जो थीटा है ये फेज डिफरेंस है किसके किसके बीच में, I1 और I2 जो वेव थी जिनकी इंटेंसिटी I1 थी एक इंटेंसिटी I2 थी उनके बीच का फेज डिफरेंस है थीटा, ठीक, क्लियर बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, तो उसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू +1 होनी पड़ेगी। अगर कॉस थीटा +1 है ना, ये +1 अगर है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा जो आई मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाती है तो क्या हो जाएगी इंटेंसिटी, वो हो जाएगी आई मिनिमम, मतलब हो जाएगी उस केस में यहाँ पे -1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ हम लोग क्लियर हो चुकी है कि अगर इंटेंसिटी अगर कॉस थीटा +1 होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, कॉस थीटा -1 होगा तो इंटेंसिटी मिनिमम, है ना, ये चीज़ें अगर क्लियर, तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट रिजल्ट पर आते हैं कि किस किस फेज डिफरेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और किस किस फेज डिफरेंस पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो उसी सीधे रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट क्या था वो, ये जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं कॉस थीटा +1 कब कब होता है, कॉस थीटा +1 होता है 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, अच्छा, यानी कि जो कॉस थीटा है वो कब कब +1 होगा, 0 पे +1 बन जाएगा, 2 पाई पे +1 बन जाएगा, 4 पाई पे +1 बन जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा उससे बन जाएगा +1। उसी तरह जो कॉस थीटा है वो -1 किस किस से बनेगा, कॉस थीटा -1 बनेगा किस किस पे, बन जाएगा पाई पे, ठीक, पाई पे बन गया, उसके बाद बन जाएगा 3 पाई, फिर बन जाएगा कितने पे, 5 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये बन जाएगा -1, इस जगह पे बन जाएगा -1, इस जगह पे बन जाएगा +1, यानी कि इस जगह पे जो हम लोग को मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम, यानी कि आई मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इस जगह पे हमको मिलेगा इंटेंसिटी मिनिमम यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मीनिंग क्या, डार्क मिलना, यहाँ तक क्लियर है आई होप। तो अब देखते हैं ये कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस का बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। वो ज़बरदस्त यूज़ क्या है कि यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि पाथ डिफरेंस पहले आपको बता दें क्या होता है, जैसे ये जो वेव्स है ना, ये जो वेव चल रही है ऐसे और एक दूसरी वेव्स है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करी, तो ये जो पाथ है ना, ये पाथ, ये इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसने देखिए कुछ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी इस वेव से ना, तो ये जो जितना डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हालांकि याद तो सबको होता है कि जो पाथ डिफरेंस है उसको डेल्टा एक्स से यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, वो होता है 2π/λ इंटू फेज डिफरेंस, बट इसको याद करना इस तरह से याद करना बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे, क्योंकि कई बार ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम यहाँ सीधे कंसेप्ट बता देते हैं, उस तरह से आपको याद हो जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, देखिए हम फिर यहाँ लिख दे रहे हैं पाथ डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे, पाथ डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्स, ठीक है, और जो फेज डिफरेंस होगा उसको लिखेंगे डेल्टा फाई, यानी कि चेंज इन फेज, ठीक है, उसको लिखेंगे डेल्टा फाई से। यहाँ तक क्लियर है ना, तो मैं थोड़ा सा पहले सब क्लियर कर देता हूँ, तब तो हमारा भी क्लियर होता रहेगा। अब यहाँ पे जो क्या करेंगे हम लोग, ये जो वेव्स है ऐसे एक वेव चलती है आ रही है, ये एक वेव है ना, ये जो एक वेव है, थोड़ा सा सही से बना देता हूँ इस वेव को, तो ये जो वेव है ऐसे, ये एक वेव है ना, ये वेव है, तो ये जो ये डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं लैम्डा,
है ना, ये इसको बोलते हैं लैम्डा, ये तो पता होगा आपको। और यहाँ से अगर यहाँ से जीरो, ये होता है एंगल फाई पाई, और ये एंगल होता है टू पाई, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई बाई टू, है ना। और ये एंगल, ये पूरी लेंथ लैम्डा, तो ये हो जाएगी लैम्डा बाई टू। यहाँ तक क्लियर होता है, आगे हो सकता है यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से देखते हैं कि जब वेव लैम्डा डिस्टेंस चलती है, जब वेव लैम्डा डिस्टेंस चलती है तो कितना फेज का डिफरेंस होता है, कितना चेंज होता है, जीरो से टू पाई। फेज में चेंज कितना होता है, जीरो से टू पाई। जब लैम्डा डिस्टेंस चलती है तो जो फेज में चेंज होता है वो टू पाई। तो जब वन यूनिट डिस्टेंस चलेगी, जब वन यूनिट डिस्टेंस चलेगी तो कितना फेज में चेंज होगा, तब चेंज होगा, तब जो फेज में चेंज होगा मतलब फेज चेंज जो हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टू पाई बाई लैम्डा, है ना। तो हम कह रहे हैं कि जब वेव में पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स होगा, मतलब जब डेल्टा एक्स जे जे यूनिट में जब चेंज होगा पाथ डिफरेंस में, यानी कि जब डेल्टा एक्स डिस्टेंस चल लेगी तब कितना फेज डिफरेंस होगा, तब फेज डिफरेंस हो जाएगा, उसको डेल फाई लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ये जो टू पाई बाई लैम्डा, इसी में डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिला, टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इस तरह से फॉर्मूला बनाना सीख लीजिए, है ना। तो ये इतना मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए ये इसको है ना, इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। तो डेल्टा फाई इज गल टू क्या मिल गया, डेल्टा फाई इज गल टू हमको मिल गया। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बना, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बना टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, मतलब पाथ डिफरेंस। यहाँ से पाथ डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई टू पाई इंटू फेज डिफरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो, टू पाई, फोर पाई, डॉट डॉट डॉट, टू एन पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए, यहाँ पे टू पाई की जी, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है इसकी जगह पे हम यहाँ रख देंगे टू एन पाई, यानी कि जब यहाँ रख देंगे टू एन पाई रख देंगे तो पाई और टू कैंसिल, पाई और टू कैंसिल, क्या मिला, लैम्डा इंटू एन, यानी कि मिला एन लैम्डा, है ना। तो पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा है या फेज डिफरेंस टू एन पाई है तो उस केस में क्या हमेशा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ तक क्लियर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन क्या हो गई, जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए कितना, एन लैम्डा, और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए टू एन पाई। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पता है आपको कॉस थीटा कितना होना चाहिए, माइनस वन, है ना। यानी कि जो थीटा की वैल्यू माइनस वन कब होगी, जब हमारा थीटा होगा पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, डॉट 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 डॉट, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल मतलब टू एन माइनस वन पाई, है ना। ये सिचुएशन अगर होगी तो यहाँ पे जो कॉस थीटा माइनस वन हो जाएगा, और कॉस थीटा अगर माइनस वन हो गया तो उस केस में जो इंटरफेरेंस होगा उसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव, मतलब डार्क बनना है, है ना, यानी कि मतलब कि अंधेरा हो गया वहाँ पे, इस जगह पे इंटेंसिटी वहाँ पे जीरो हो गई, कहने का मतलब है, या मिनिमम हो गई, कम से कम जितनी हो सकती है वो हो गई। तो उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस होना चाहिए टू एन माइनस वन पाई, ये आपको ध्यान रखना है, है ना। अब पाथ डिफरेंस देख लेते कितना है, तो इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला हमारे पास था, डेल्टा एक्स लैम्डा बाई टू पाई, फेज डिफरेंस की जगह पर रख देते हैं टू एन माइनस वन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, क्या मिला हम लोग को, मिला लैम्डा बाई टू, टू एन माइनस वन, है ना। तो ये होता है पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए दोनों वेव के बीच में, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, है ना। तो इसको टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, और ये है एन लैम्डा, ये ध्यान रखना है आपको। तो पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है कि ये हो गया केस किसका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्होंने सेटअप किया, कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।